अपन देख रहे हैं क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 8 है और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। चलिए देने के तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो तो हम समाचार पत्रों के बारे में बता रहे थे, तो है क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जो जी थे, इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इन्होंने हिंदी पत्रिका निकाला किस नाम से? तो कविचंद सुधारक नाम से। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में एक हिंदी पत्रिका निकाला गया किस नाम से? कवि वचन सुधा के नाम से। कहाँ से निकाला गया? बनारस। कब निकाला गया? 1867। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी पत्रिका कविचंद सुधा जो है कब निकाला गया, तो 1867 में। कहाँ से निकाला गया? बनारस से। और किनके संपादन में निकाला गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में निकाला गया। फिर इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही 1872 में मासिक पत्रिका निकाला। मासिक मतलब महीनवारी एक पत्रिका निकाला, जिसने क्या किया, देश प्रेम की भावना को बहुत ज्यादा लोगों में जगाया और आपके देश जो है, मतलब देश में आपका राष्ट्रवाद की भावना जो है जगने लगी और लोग जो है देश से प्रेम करने लगे और देश के लिए मरने मिटने के तैयार हो गए। फिर बालकृष्ण भट्ट ने भी हिंदी प्रदीप जो निकाली, ये भी मोटिवेट किए। फिर रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन निकाला। क्या निकाला? भारत जीवन। फिर सचिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू निकाला, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कब निकाला? 1899। फिर बाल गंगाधर तिलक के संपादन में महाराष्ट्र से 1821 में केसरी पत्रिका निकाली गई, किस भाषा में? अंग्रेजी में भी, मराठा में भी, मराठी में भी निकाली गई। और बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने के, मतलब राष्ट्रवाद को और ज्यादा उग्र करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए फैलाने का जो काम है, कौन किए? अरविंद घोष और वारिंद्र घोष ने किया। किस पत्रिका के माध्यम से? युगांतर पत्रिका और वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से। आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल कि बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम जो है किनके द्वारा किया गया, तो अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के द्वारा किया गया। किस पत्रिका के माध्यम से किया गया, तो युगांतर और वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से किया गया। तो आपने क्या देखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदी पत्रिका निकाली 1867 में कविचंद सुधा के नाम से बनारस, और 1872 में एक मानसिक पत्रिका निकाला जिसने देश प्रेम की भावना को जगाया। फिर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाला, रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, रामकृष्ण वर्मा ने भारत जीवन। सचिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू निकाला, किस भाषा में? अंग्रेजी में। कब निकाला? 1899। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में महाराष्ट्र से एक पत्रिका निकाली गई केसरी नाम से, किस भाषा में? अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा में, मराठा भाषा में, मराठी भाषा। कब निकाला गया? 1881। बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को काम फैलाने वाला काम कौन किया? अरविंद घोष और वारिंद्र घोष ने। किसके माध्यम से? युगांतर और वंदे मातरम के माध्यम से। तो किसने आपका है क्या बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने काम किया, तो वारिंद्र घोष और अरविंद घोष ने। किसके माध्यम से? युगांतर पत्रिका और वंदे मातरम पत्रिका के माध्यम से उन्होंने फैलाने का प्रयास किया। पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रचार का हथियार के रूप में इस्तेमाल कौन किए? समाचार पत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हथियार के रूप में इस्तेमाल कौन किए? एनी बेसेंट ने किया। कौन किए? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ही मद्रास स्टैंड को अपने संचालन में लेकर उसे न्यू इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यू इंडिया। तो मद्रास स्टैंड को अपने संचालन लेकर न्यू इंडिया नाम किसने दिया? एनी बेसेंट ने। ठीक है, मद्रास स्टैंड जो पत्रिका थी उसको अपने अंडर ले लिया, खरीद लिया और उसको नाम क्या दिया? न्यू इंडिया। और इन्होंने इस न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल का नारा जन जन तक पहुंचाया, मतलब पूरे लोगों तक पहुंचाया। तो होम रूल का नारा जन जन तक किसने पहुंचाया? एनी बेसेंट ने। किस पत्रिका के माध्यम से? न्यू इंडिया पत्रिका के माध्यम से। न्यू इंडिया पत्रिका जो है किसके नाम से बदला गया? मद्रास स्टैंड के नाम से। किन्होंने खरीदा था? एनी बेसेंट। अब देखो यंग इंडिया और हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का सपोर्ट कौन किए? गांधी जी ने। और इस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवादी आंदोलन के इन्होंने क्या किया? प्रचार किया। साथ ही इस यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के माध्यम से लोगों में शिक्षा की भावना भी जगाई गई। फिर इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इंडिपेंडेंस नाम की पत्रिका का संपादन किया। शिव प्रसाद ने हिंदी दैनिक आज का। फिर के एम पनिकर ने 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स की संपादन की। इसका कार्य जो है बाद में मदन मोहन मालवीय ने संभाल लिया। फिर 1927 में जेडी बिरला ने संभाला और ये समाजवादी विचार के विचारधारा से समाजवादी जातन बढ़ावा दे रहे। 1912 में अल हिलाल
संपादन हुआ 1913 में अल बिलाग, और मोहम्मद अली ने कामरेड, क्या जी कामरेड अंग्रेजी में पत्रिका छापी और हमदर्द उर्दू में पत्रिका जो है छापी। फिर 1913 में गदर की स्थापना, मतलब गदर पत्रिका कब है 1913 में, किनके द्वारा, हरदयाल जी के द्वारा, किसके द्वारा, कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से, कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से। इसके अलावा भी आप महत्वपूर्ण चीजों को याद रखेंगे पत्रिका से जुड़े चीजों को आप। तो आपको ये मुख्य रूप से क्या याद रखना है, ज्यादातर की जो प्रश्न पूछे जाती हैं, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। जैसे महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, यंग इंडिया का, किसका किया दोस्तों, यंग इंडिया का। फिर आपका है किस पत्रिका ने रातों रात अपने प्रेस वरना किलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका ने, किसने बदल दिया, अमृत बाजार पत्रिका ने, ठीक है। और वरना किलर प्रेस एक्ट जो है ये दोस्तों किसने पारित किया था, लॉर्ड लिटन ने, किसने पारित किया था, लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो इन्होंने बाइबिल की छपाई किया था, किसने किया था, बाइबिल का। फिर किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा, ये बात मार्टिन लूथर ने कहा था, किसने कहा था, मार्टिन लूथर। और रूसो कहां का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था, कहाँ का था, फ्रांस का था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो दोस्तों याद रखिएगा चीन से, कहाँ से हुई, चीन से हुआ, चाइना से छपाई उपाई वाला काम हुआ। फिर आप याद रखेंगे कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो चीन से ही हुआ। इसके अलावा आप यह हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक महात्मा गांधी है, हिंदू स्वराज पुस्तक लिखा महात्मा गांधी, हिंदू स्वराज पुस्तक लिखा महात्मा गांधी। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। पंचनावे स्थापना किसकी रचना है, तो पंचनावे स्थापना जो है ये आपका मार्टिन लूथर की ही रचना है, और मार्टिन लूथर ने वरना इसको भी संपादन किया था। इसके अलावा आप रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन किए थे, तो मोतीलाल घोष, कौन किए थे, मोतीलाल घोष। और इस अमृत बाजार पत्रिका ही अपनी रातों रात वरना किलर एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी भाषा को हटा लिया था, अंग्रेजी भाषा में बदल दिया था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल कौन विख्यात थे, तो मेटकॉफ, कौन थे, मेटकॉफ थे। फिर मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, कौन थे, धर्म सुधारक थे। और नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो अखबार कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है, ठीक है। और चीन में संगोई इसका केंद्र है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया, तो सचिदानंद सिन्हा ने, किसने किया, सचिदानंद सिन्हा ने किया, जस्ट आपने पढ़ा देखा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो मराठा जो है अंग्रेजी संबंधित था, किसे, अंग्रेजी से। विश्व का प्रथम पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुई, तो जर्मनी में हुआ, कहाँ हुआ, जर्मनी में पेपर मिल बनी सबसे पहले। मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे, मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे, तो आप याद रखेंगे राजा मोहन राय, कौन थे, राजा मोहन राय। फिर बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, तो आप याद रखेंगे दोस्तों जे ए हेकी ने, किसने, जे ए हेकी ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन ने, किसने किया, लॉर्ड लिटन ने। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, 1868 में, कब हुआ था, 1868 में। ये सारा आप मतलब नोट कर लेंगे दोस्तों जितना भी मैंने आपको कहा। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।